हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट। और ये चारों टॉपिक्स पर बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे, क्या होता है उसके बारे में। तो देखो, हम यहाँ सबसे पहले ड्रॉ कर देते हैं कोई भी एक स्टैंडर्ड पैराबोला। चलो, ये कोई पैराबोला हो गया जिसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये पैराबोला है। इस पे हम लोग कोई भी पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले लिए पी, और पी का कोऑर्डिनेट अगर पैरामेट्रिक टर्म में लेते हैं तो ये होगा at², 2at। ठीक है, और ये जो पॉइंट पी है, यहाँ से हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये टेंजेंट हो गया। ओके, ये पॉइंट पी है तो ये पॉइंट हम लोग टी ले लेते हैं, ये पॉइंट टी हो गया। और यहाँ से एक नॉर्मल भी हम लोग ड्रॉ कर देंगे, जो ये इस पॉइंट को जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट एन हो गया। तो पी टी ये हो गया टेंजेंट का लेंथ, पी एन ये हो गया नॉर्मल का लेंथ। लेकिन हम लोग को फाइंड करना है सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। तो पी से एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो पी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाता है Q। ठीक है, तो T से लेकर Q तक का लेंथ TQ हो जाएगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और QN हो जाएगा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, लिख देते हैं। तो TQ जो है वो हो गया लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ठीक है, एंड QN, क्यू एन इज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अब इसका लेंथ फाइंड करना है, लेंथ बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले हम पी पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, जिससे पॉइंट टी मिलेगा, पॉइंट टी मिलेगा। और पॉइंट जो क्यू है, क्यू का कोऑर्डिनेट तो क्लियर है ना, क्योंकि जो पी का एक्स कोऑर्डिनेट वही क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और क्यू का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। तो Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा at², 0। ठीक है, ओके। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, P का कोऑर्डिनेट है at², 2at। ठीक है, तो ये पैरामेट्रिक टर्म का कोऑर्डिनेट है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखते हैं। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन और टेंजेंट होता है टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन एट पॉइंट पी। ओके, अब पॉइंट टी फाइंड करेंगे। पॉइंट टी कैसे फाइंड होगा, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए इसमें वाई इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं। जब वाई इक्वल 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी का कोऑर्डिनेट आ गया, टी का कोऑर्डिनेट आ गया माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0, है ना। तो जब टी का कोऑर्डिनेट माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0 मिल गया, तो हम लोग ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन है ओ, ओरिजिन से टी तक का लेंथ कितना होगा ए टी स्क्वायर, क्योंकि कोऑर्डिनेट है माइनस ए टी स्क्वायर, नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, तो इसका लेंथ हो जाएगा ए टी स्क्वायर। और क्यू का कोऑर्डिनेट है ए टी स्क्वायर कॉमा 0, तो ओ से लेकर क्यू तक का लेंथ भी है ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी क्यू का लेंथ मिल जाएगा ना 2at² है ना, तो टी क्यू का लेंथ हो जाएगा, टी क्यू का लेंथ हो जाएगा 2at², यही हो जाएगा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू 2at², मतलब अगर किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट पूछ रहा है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे पी का एक्स कोऑर्डिनेट ए टी स्क्वायर है, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आ गया 2at², तो किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट मिल जाता है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ ये लेंथ ऑफ सब नॉर्मल फाइंड करना, जिसके लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना पड़ेगा पॉइंट पी पर। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
एट पॉइंट पी। ए टी स्क्वायर कॉमा 280। ठीक है, तो इस पर इक्वेशन नॉर्मल क्या होता है, y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया नॉर्मल का, y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। ठीक है, अब जब ये नॉर्मल का इक्वेशन है तो हम लोग को पॉइंट n फाइंड करना है, और पॉइंट n क्या है, ये x कोऑर्डिनेट को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो पॉइंट n फाइंड करने के लिए y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y का वैल्यू 0 रखते हैं इसमें। तो जब y का वैल्यू 0 रखते हैं तो देखो 0 इक्वल टू 0 प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, एक टी कटेगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 2a प्लस 80 स्क्वायर। ठीक है, तो जब x का वैल्यू 2a प्लस 80 स्क्वायर आ गया तो n का कोऑर्डिनेट पता चल गया ना, n का कोऑर्डिनेट है 2a प्लस 80 स्क्वायर कॉमा 0। ये हो गया n का कोऑर्डिनेट, और हम लोग को q से n तक का लेंथ फाइंड करना है ना, तो क्यू एन इक्वल टू कितना होगा, ओ एन मतलब पूरा ओ से लेकर एन तक का डिस्टेंस माइनस ओ क्यू, और ओ क्यू कितना है 80 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ओ ये क्यू एन, तो क्यू एन इक्वल टू होगा ओ एन माइनस ओ क्यू, और ओ एन का लेंथ कितना है, जितना एन का एक्स कोऑर्डिनेट है, एन का एक्स कोऑर्डिनेट है 2a प्लस 80 स्क्वायर, तो 2a प्लस 80 स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, माइनस ओ क्यू, क्यू का कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर, तो ओ क्यू का लेंथ हो जाएगा 80 स्क्वायर। ठीक है, देखो 80 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्यू एन का जो वैल्यू है वो हो गया 2a, जो एक कांस्टेंट है ना, वो कांस्टेंट क्या है, हाफ ऑफ लेटस रेक्टम, क्योंकि लेटस रेक्टम का लेंथ कितना होता है, 4a होता है ना। तो ये जो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आ गया, तो लिखते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज 2a, मीन्स हाफ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो गया हाफ ऑफ लेटस रेक्टम 2a। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया, लेकिन लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कांस्टेंट नहीं है, ये है डबल ऑफ एफसीसा ऑफ द पॉइंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का एफसीसा बोलते हैं, तो एफसीसा का डबल कर देना है तो उससे आ जाएगा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ये टॉपिक लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट। ठीक है, देखो ये क्या होता है, ये भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कोई पैराबोला है जिसमें ये एक्स एक्सिस बना लिए, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें एक पैराबोला ड्रॉ कर देते हैं, चलिए ये पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इस पैराबोला पर अगर कोई पॉइंट P है, अगर कोई पॉइंट है P आउटसाइड में, और उस पॉइंट P से x1 को y1 मान लेते हैं, उस पॉइंट P से अगर पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ किया जा रहा है, जैसे P से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया P T, और दूसरा टेंजेंट हम मान लिए टी डैश। ठीक है, तो PT और PT डैश का कंबाइन इक्वेशन, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट का कंबाइन इक्वेशन फाइंड करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो ये लिखते हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स होता है एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, देखो इसमें एस क्या है, एस वन क्या है, टी क्या है, ये बता रहे हैं। एस होता है पैराबोला का इक्वेशन, मीन्स वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। ठीक है, और एस वन क्या होगा, एस वन हो जाएगा वो पॉइंट जो एक्स वन को वाई वन है, इसको पैराबोला के इक्वेशन में रख देना है, तो वाई वन स्क्वायर
-4a(x1) = 0, ये हो जाएगा s1। और t क्या होता है, t देखो इस पैराबोला को t में कन्वर्ट करना, t मतलब y स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा y y1 में, और x कन्वर्ट 2x कन्वर्ट हो जाएगा, देखो यहाँ लिख देते हैं y स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा y y1 में, और 2x कन्वर्ट हो जाएगा x प्लस x1 में, ठीक है। इस टाइप से t निकलता है, तो ये होगा t का जो इक्वेशन आएगा वो होगा y y1 -2ax+x1, ठीक है, =0। तो ये हो गया t, तो s मिल गया, s1 मिल गया, t मिल गया, ये सारा पुट करेंगे तो इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, ठीक है। देखो ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन हम लोग बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे, कोई भी लाइन ले लो, PT मान लो टेंजेंट है, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है पैराबोला में, इधर लिखते हैं y=mx+a/m, ये होता है पैराबोला में टेंजेंट का इक्वेशन। इस पैराबोला में y²=4x में, अब ये जो टेंजेंट है ये टेंजेंट पास कर रहा है x1, y1 से, जब x1, y1 से पास करवाएंगे हम तो m में बनेगा क्वाड्रेटिक, जब m में क्वाड्रेटिक बनेगा तो m का दो वैल्यू आएगा, एक हो जाएगा PT का स्लोप, एक हो जाएगा PT डैश का स्लोप, दोनों इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, वो बेसिक मेथड से बना सकते हैं। अगर आपको पेयर ऑफ टेंजेंट का डायरेक्ट इक्वेशन लिखना है तो s1=t² से लिख सकते हैं, क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक क्लियर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है ये पहले समझा देते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, तो अब इसमें एक पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कर लिया कि ये एक पैराबोला है जिसका इक्वेशन ले लिया y²=4ax, ठीक है। तो अगर कोई एक्सटर्नल में पॉइंट है, अगर मान लेते हैं कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, इस पॉइंट पी से एक हो गया ये टेंजेंट और दूसरा इधर का भी टेंजेंट, इधर कोई टेंजेंट ले लेते हैं। ओके चलो ये टेंजेंट हो गया, तो ये दोनों टेंजेंट पैराबोला को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वो दोनों जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है टेंजेंट का पैराबोला से, वो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो कॉर्ड बना है इसी को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब टेंजेंट का कॉन्टेक्ट पॉइंट से जो कॉर्ड बनेगा। कोई एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से दो टेंजेंट हो रहा है, दोनों टेंजेंट पैराबोला को जिस पॉइंट पे कॉन्टेक्ट कर रहा है वो दोनों कॉन्टेक्ट पॉइंट से जो कॉर्ड बनेगा उसी को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन फाइंड कैसे करेंगे, अगर पी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1 है, ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये ए है ये बी है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला है t=0, ठीक है। t=0 से इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, और t क्या होता है मतलब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को पैराबोला की इक्वेशन में रख देंगे, t यहाँ पे लिखा है ना, ये t है, तो इसका मतलब y y1 -2ax+x1=0, इससे मिल जाता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, टेंजेंट का कॉन्टेक्ट पॉइंट को ज्वाइन करने से जो कॉर्ड बनेगा वो हो जाएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, और कोई एक्सटर्नल पॉइंट अगर दिया है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन आ जाएगा t=0, ठीक है। अब इससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो क्वेश्चन है इफ द लाइन x-y-1=0 इंटरसेक्ट द पैराबोला y²=8x एट पी एंड क्यू, देन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू, ठीक है। तो हम लोग पैराबोला ड्रॉ करते हैं, तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, इसमें एक पैराबोला हो गया y²=8x, ठीक है, ये हो जाएगा y²=8x। अब इसमें एक टेंजेंट, ये एक लाइन है x-y-1=0, ठीक है, इस लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं, ये लाइन हो गया, इस लाइन का इक्वेशन है x-y-1=0। अब ये लाइन पैराबोला को बोल रहा है कि पी एंड क्यू पर कट कर रहा है, ठीक है, पी एंड क्यू पर कट कर दिया,
देन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू। तो पी पर और क्यू पर दोनों का जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस दोनों टेंजेंट का, जैसे देखो पी पर एक टेंजेंट है ये और क्यू पर एक टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, ये मान लो तो कोऑर्डिनेट एम है, तो एम का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब देखो एम का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, हम लोग अल्फा कॉमा बीटा फाइंड करना है। तो जब अल्फा कॉमा बीटा कोई पॉइंट है तो वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, एम पी और एम क्यू। ठीक है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना। तो जब पी क्यू कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिख सकते हैं। और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या बताए थे ऊपर में हम, कि टी इक्वल टू जीरो होता है ना। देखो टी इक्वल टू जीरो होता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, वही यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो एम का जो कोऑर्डिनेट है वो है अल्फा कमा बीटा और पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होता है टी इक्वल टू जीरो, तो वाई वाई वन मतलब वाई इंटू बीटा इक्वल टू फोर इंटू टू एक्स, टू एक्स मतलब एक्स प्लस अल्फा ये होगा। तो इसको हम अच्छे से लिख सकते हैं, फोर एक्स इधर फोर एक्स हो गया माइनस बीटा वाई हो जाएगा और प्लस फोर अल्फा इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स वाई और कॉन्स्टेंट टर्म, ऐसा लिख दिया हम लोग जनरल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन का। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। और ये जो पी क्यू लाइन है यही इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, और इसका इक्वेशन एक दिया हुआ है एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एक ये लाइन एंड और एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये जो दोनों लाइन है ये दोनों लाइन होगा आइडेंटिकल। जब ये दोनों लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दोनों में सेम डिग्री का सेम टर्म का कोफिशियंट का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रेशियो लिखेंगे। देखो फोर का कोफिशियंट है वन एक्स, और यहाँ अच्छा एक्स का कोफिशियंट है फोर और यहाँ एक्स का कोफिशियंट वन, फोर बाई वन इक्वल टू वाई का कोफिशियंट है माइनस बीटा बाई माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म है फोर अल्फा बाई माइनस वन। ठीक है, अब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को लेंगे तो फोर फोर कटेगा, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन, तो अल्फा इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। एंड और फर्स्ट एंड सेकेंड को लेंगे माइनस माइनस कटेगा, बीटा इक्वल टू फोर आ जाएगा, है ना, बीटा इक्वल टू फोर आ जाएगा। तो अल्फा और बीटा का कोऑर्डिनेट आ गया, अल्फा और बीटा जो पॉइंट है वो माइनस वन कॉमा फोर आ गया, तो यही है एम का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे फाइंड करना था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू, जो एम है, तो एम का कोऑर्डिनेट है माइनस वन कॉमा फोर, यही हो गया आंसर। ठीक है, ओके, अब हम लोग कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट हुज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर बी एक्स इज द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। ठीक है, इस पैराबोला में वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर बी एक्स में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो उस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, और वही लाइन इस पैराबोला पर टेंजेंट है। ठीक है, तो वो जो पॉइंट है जिसका लोकस हम लोग को फाइंड करना है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लिए एच कॉमा के। ठीक है, जिसका लोकस फाइंड करना होता है जिस पॉइंट का, उसका कोऑर्डिनेट एच कॉमा के ऐसे मान लेते हैं। ओके, तो इस पॉइंट का इस पैराबोला के रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये क्या होगा, ये होता है टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मतलब ये पॉइंट है, ये पैराबोला है, तो टी इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो ये होगा वाई इंटू के। ठीक है, वाई वाई वन होता है वाई इंटू के इक्वल टू, तो टू बी और टू एक्स को लिख देंगे एक्स प्लस एच, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इसको अच्छे से अरेंज कर देते हैं, तो वाई अच्छा वाई के लिखते हैं, वाई के और इक्वल टू टू बी एक्स प्लस टू बी एच, ये होगा। ओके, ये मान लेते हैं इक्वेशन वन। अब इस पैराबोला में टेंजेंट है, तो इस पैराबोला में टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसमें अगर लिखेंगे तो ये होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ये स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट होता है, ये इसको इक्वेशन टू मान लिए। अब जो इक्वेशन वन है और टू है, ये दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है, मतलब सेम लाइन है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पैराबोला में जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है वही सेकेंड पैराबोला के लिए टेंजेंट है, दोनों सेम लाइन है। जब दोनों सेम आइडेंटिकल लाइन होता है तो उसका कोफिशियंट का रेशियो, मतलब एक्स वाई कॉन्स्टेंट टर्म, कोफिशियंट का रेशियो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए के बाई वन, देखो के बाई वन करेंगे इक्वल टू, और यहाँ पे टू बी बाई एम हो जाएगा, टू बी बाई एम होगा, और कॉन्स्टेंट टर्म देखो कितना है, टू बी एच बाई ए बाई एम, ये होगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से एम का वैल्यू निकालेंगे, एम का वैल्यू आ जाएगा टू बी बाई के, ठीक है, और ये फर्स्ट एंड सेकेंड से एम का वैल्यू निकाल लिए। अब फर्स्ट एंड थर्ड से देखो, फर्स्ट एंड थर्ड से एम का वैल्यू निकालेंगे तो के इक्वल टू होगा टू बी एच एम बाई ए, है ना, टू बी एच एम बाई ए है, तो एम का वैल्यू यहाँ से यहाँ रख देते हैं, क्योंकि एम ही मेरा जो है वो एक एक्स्ट्रा पैरामीटर हम लिए हैं, तो एम को एलिमिनेट करना है। तो के इक्वल टू आ जाएगा, के इक्वल टू आ जाएगा, देखो टू बी एच बाई ए, और एम का वैल्यू है टू बी बाई के, ओके, तो के इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू फोर बी स्क्वायर, टू इंटू टू फोर, बी स्क्वायर बाई ए इंटू एच। और फाइनली लोकस फाइंड करने के लिए एच को एक्स और के को वाई रखा जाता है ना, तो लोकस यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर बी स्क्वायर बाई ए इंटू एक्स, तो यही हो गया लोकस उस पॉइंट का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इसमें फाइंड करना था लोकस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, तो पॉइंट का लोकस आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर बी स्क्वायर बाई ए इंटू एक्स। तो अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ गिवेन मिड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट में कॉर्ड का इक्वेशन बताना है जिसका मिड पॉइंट दिया रहता है। जैसे देखो ये कोई पैराबोला हो गया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसमें हम लोग एक पैराबोला ड्रॉ कर देते हैं। तो ये कोई पैराबोला है जिसका इक्वेशन हम लोग मान लिए वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स। अब इसमें कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है, तो चलो कॉर्ड हम लोग मान लिए, ये कोई कॉर्ड है जिसका हम लोग नाम लिख दिए पी क्यू, तो पी क्यू का इक्वेशन लिखना है और पी क्यू का मिड पॉइंट दिया है, और मिड पॉइंट दिया है एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है। अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया है तो डायरेक्ट हम इस कॉर्ड का इक्वेशन लिख सकते हैं, और इस कॉर्ड का इक्वेशन कितना होता है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हो जाएगा टी इक्वल टू एस वन। अब टी क्या होता है, टी होता है ये जो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, इसमें टी होता है वाई स्क्वायर माइनस टू ए इंटू एक्स प्लस एक्स वन, ये होता है टी। और एस वन कितना होता है, एस वन देखो ये पॉइंट है ना एक्स वन कॉमा वाई वन, इसको पैराबोला के इक्वेशन में रख देना, यही हो जाएगा एस वन। तो ये हो जाएगा वाई वन का स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स वन, ठीक है, ये हो जाएगा एस वन। तो टी इक्वल टू एस वन से डायरेक्ट इस कॉर्ड का इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना शॉर्टकट है। तो अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स विच पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट पी क्यू, ठीक है, पी कॉमा क्यू से पास कर रहा है। तो देखो जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना, उसको उसका कोऑर्डिनेट हम लोग एच कॉमा के मान लिए, ठीक है, ये हो जाएगा मिड पॉइंट जिसका लोकस फाइंड करना है। तो चलो एच कॉमा के मिड पॉइंट हो गया, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हम लोग लिख सकते हैं, और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होता है टी इक्वल टू एस वन, ठीक है, अगर मिड पॉइंट दिया है तो कॉर्ड का इक्वेशन टी इक्वल टू एस वन होता है। तो ये पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, इसमें लिखते हैं टी इक्वल टू एस वन हम लोग,
टी इक्वल टू एस वन है तो वाई इंटू के माइनस 2 ए एक्स प्लस एच, ये होगा टी। और एस वन लिखते हैं तो एस वन होगा के स्क्वायर माइनस 4 ए एच, ये हो गया टी इक्वल टू एस वन। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो वाई के और माइनस 2 ए एक्स है तो लिखते हैं माइनस 2 ए एक्स, और ये माइनस 2 ए एच, माइनस 2 ए एच इस साइड कर देते हैं ना, तो इस साइड हो जाएगा के स्क्वायर और माइनस 2 ए एच, क्योंकि माइनस 4 ए एच है ना, माइनस 2 एच कट जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद ये जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है ये पी कॉमा क्यू से पास कर रहा है ना, तो विच पासेस थ्रू पी कॉमा क्यू, जब पी कॉमा क्यू से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स में रखेंगे पी और वाई में रखेंगे क्यू, तो इसको सेटिस्फाई कराते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू के माइनस 2 ए पी इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2 ए एच, ये होगा। तो अब ये जो कंडीशन आ गया इसमें हम लोग एच को रिप्लेस करते हैं एक्स से और के को रिप्लेस करेंगे वाई से, तब तो एक लोकस आ जाएगा एक्स वाई में। ठीक है, लोकस क्या होगा, देखो के को रिप्लेस करेंगे वाई से ना, तो क्यू वाई माइनस 2 ए पी इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स, ये है। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, वाई स्क्वायर और इक्वल टू 2 ए एक्स प्लस क्यू वाई माइनस 2 ए पी। ठीक है, जैसा भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये आ गया लोकस, उस मिड पॉइंट का, कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस आ गया। ठीक है, ओके ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन हो गया फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स विच सबटेंड अ राइट एंगल एट द वर्टेक्स। ठीक है, देखो मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, तो उस मिड पॉइंट को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एच कॉमा के, जिस जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना होता है उसको हम लोग सबसे पहले एच कॉमा के एज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो गया मिड पॉइंट। अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होता है टी इक्वल टू एस वन, ये होता है। तो टी मतलब ये जो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स, इसमें लिखते हैं टी, तो ये होगा वाई इंटू के माइनस 2 ए एक्स प्लस एच, ये टी हो गया। और एस वन लिखते हैं तो एस वन हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 ए एच। ठीक है, ये हो गया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं क्योंकि ये कॉर्ड का इक्वेशन है, तो के वाई माइनस 2 ए एक्स इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2 एच माइनस 4 एच, इधर हो जाएगा माइनस 2 ए एच। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब देखो ये जो कॉर्ड है ये पैराबोला के वर्टेक्स पर राइट एंगल फॉर्म कर रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा हम डायग्राम बना के समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये पैराबोला है, ठीक है, ये कोई कॉर्ड है। अब ये कॉर्ड वर्टेक्स पर राइट एंगल फॉर्म कर रहा है ना, तो ये मान लो वर्टेक्स हो गया ओ जो ओरिजिन है, और ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। देखो जब भी कोई कोई लाइन और कोई कर्व का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको ओरिजिन से, जब हम लोग ऐड ओरिजिन से जोड़ते हैं, तो ये ओपी और ओक्यू का कंबाइंड इक्वेशन फाइंड किया जा सकता है, और जिस मेथड से कंबाइंड इक्वेशन फाइंड होता है उसको बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। ठीक है, तो देखो लिखते हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स, इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स ओपी एंड ओ क्यू, ओपी एंड ओ क्यू का कंबाइंड इक्वेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं पेयर ऑफ लाइन, और जिस प्रोसेस से करते हैं उसको बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। ठीक है, तो होमोजेनाइजेशन क्या होता है, ये पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स ये होमोजेनियस नहीं है, क्योंकि वाई का स्क्वायर है 2 डिग्री और एक्स में लीनियर है, तो यहाँ से हम लोग जो इक्वेशन 1 है इससे हम लोग एक लीनियर टर्म लाएंगे, ये हो गया 2 ए एक्स है ना, तो यहाँ से लीनियर टर्म कैसे लाएंगे, देखो के वाई माइनस 2 ए एक्स बाई में होगा के स्क्वायर माइनस 2 ए एच इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इस पैराबोला को और इस कॉर्ड को हम लोग होमोजेनाइज करते हैं, तो वाई स्क्वायर और माइनस 4 ए
एक्स है इंटू वन होगा इक्वल टू जीरो। तो वन के जो प्लेस है, वन के प्लेस पर हम ये 1 डिग्री रखेंगे तो ये भी बन जाएगा 2 डिग्री। तो ये होगा के वाई -2ax बाई के स्क्वायर -2ah, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो ये बन गया होमोजीनियस इक्वेशन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अच्छे से। तो ये होगा के स्क्वायर -2ah ऑफ 2ah ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, ये वाई स्क्वायर। अब इसको इंटू करेंगे तो -4ak xy होगा, ठीक है, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 8a² ऑफ x² इक्वल टू जीरो। तो जब ये होमोजेनस इक्वेशन है 2 डिग्री में और ये ओरिजिन पर राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, ओरिजिन पर राइट एंगल फॉर्म कर, इसका कंडीशन होता है a+b इक्वल टू जीरो। ए मतलब x² का कोफिशियंट और b मतलब y² कोफिशियंट, दोनों का सम इक्वल टू जीरो करने से ये कंडीशन होता है राइट एंगल वाला। तो x² कोफिशियंट कितना है, 8a², ठीक है। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं ए मतलब ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ए मतलब कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बी मतलब कॉफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ए का मतलब एक्स का कॉफिशेंट है 8a², तो ये हो जाएगा 8a² प्लस, और बी मतलब वाई स्क्वायर कॉफिशेंट, ये होगा के स्क्वायर -2ah इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब इक्वेशन लोकस फाइंड करने के लिए फाइनली एच को एक्स और के को वाई रखा जाता है ना। तो ये होगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर -2ax प्लस 8a² इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 2ax -8a², ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 2a कॉमन ले सकते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा 2ax -4a, ठीक है। यही हो जाएगा उस कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस जो फाइंड करना था, ठीक है। तो देखो इसमें फाइंड करना था मिड पॉइंट, कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस जो ओरिजिन पर या वर्टेक्स पर राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। तो वर्टेक्स यहाँ ओरिजिन है, तो ओरिजिन से जुड़ने वाला लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड एंड पैराबोला, ओरिजिन से जो दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो उसका पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन आता है होमोजेनाइजेशन से, वही किए। तो देखो इस टॉपिक में आज हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिए। सबसे पहला टॉपिक है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, जो हम लोग देख लिए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है ट्वाइस ऑफ एफ सी ऑफ द पॉइंट, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होता है कॉन्स्टेंट मतलब हाफ ऑफ लेटर रेक्टम। इसके बाद हम लोग देखे इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट, जो होता है SS1 इक्वल टू T². उसके बाद देखे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, जो होता है T इक्वल टू जीरो, और इस पर हम लोग क्वेश्चन भी किए दो, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट, जो होता है T=S1, इस पर भी हम लोग 2 क्वेश्चन किए, ठीक है। होप आप लोग ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।